90s में इंडिया अपने सातवें आसमान पर था और इंडिया में केबल टीवी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और इसी कारण दुनिया के सारे मार्केटर्स इंडिया की मार्केट पकड़ने में लग गए और ऐसे ही इंडिया में एनिमे की शुरुआत हुई। हे गाइस, आई एम मनीष, यानी आपका अपना सैयन लौंडा, और मैं अमोघ फ्रॉम एनिमेटीएम टॉक्स आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे पहले कोलैब वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम इंडिया में एनिमे राइज एंड फॉल को लेकर डिस्कशन करेंगे। वैसे तो हमारे ज्यादातर सब्सक्राइबर को पता ही होगा एनिमे क्या है, और अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसके बाद शायद कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चप्पल मारने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो सच है वो है एनिमे का मतलब कार्टून ही होता है। कार्टून और एनिमे का मतलब ही एनिमेशन है। बस फर्क इतना है, हम कार्टून से वेस्टर्न एनिमेशन और एनिमे से जैपनीज एनिमेशन समझते हैं, पर दोनों ही एक्चुअली में कार्टून है। एक से हम खुद को ज्यादा इमोशनली अटैच कर पाते हैं और एक से उतना अटैच नहीं कर पाते हैं। एनिमे में बढ़िया एनिमेशन, कमाल की स्टोरी लाइन, जबरदस्त एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री, वो सब कुछ होता है जो आपको एनिमे देखने में मजबूर कर देता है, और फिर चाहे आप बच्चे हो या फिर बड़े। अरे यार, मैं तो बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। अब जिन लोगों को लगता है कार्टून यानी वेस्टर्न एनिमेशन बच्चों के लिए है या इसमें अच्छी स्टोरी या ज्यादा सैड सीन्स नहीं होते, वो बिल्कुल गलत हैं। ऐसा नहीं है। डिज्नी के पास इतने सारे अच्छे एनिमेशन मूवीज हैं और उसके अलावा अमेरिका के बहुत से अच्छे शोज हैं जैसे समुराई जैक, बेंटेन, करेज द कावर्डली डॉग, बट जापानीज एनिमे या कार्टून उनसे बहुत आगे है। बेसिकली एनिमे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक तो जो बच्चों के लिए जैसे शिनचैन, डोरेमोन, कितरित्सु एक्सेट्रा, जो आप ज्यादातर टीवी पर देखते हो, और कुछ एनिमे जिनकी स्टोरीज थोड़ी मेच्योर्ड ऑडियंस के लिए होती है वो अलग, जैसे डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन। खैर, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि एनिमे क्या है। इंडिया में 90s की शुरुआत में ही एनिमे एयर होना स्टार्ट हो गया था। उस समय इंडिया और जापान ने मिलकर रामायण भी बनाई थी। रामायण पहली एनिमे मूवी थी जो इंडिया के अंदर एयर हुई थी। अगर आप इस मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम दोनों ने ही इसके ऊपर एक एक वीडियो बनाई है, तो आप चाहते हो तो वो दोनों देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एनिमे सीरीज में जंगल बुक, रोबोटेक, टेस्टेजन 28 जैसे एनिमे पहले एयर हुआ करते थे, पर ये बता पाना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा पहले एयर हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। डीडी नेशनल, स्टार टीवी, ये दो चैनल थे जो एनिमे एयर करते थे। तब एनिमे जैपनीज में ही आता था, और फिर AXN ने फुल टाइम एनिमे चैनल निकाला और जिसका नाम था एनिमैक्स, जो कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक दुखद याद बन के रह चुका है। एनिमैक्स का बंद होना वाकई बहुत ही दुख की बात है। टीवी पर एनिमे देखने का मजा ही कुछ और था। पर आजकल तो बस यार टीवी पे छोटा भीम ही चलता रहता है। अब डिजिमोन को ही देख लो, कुछ दिन पहले सोनिक ने वापस एनिमे लाना स्टार्ट किया, पर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था, या ये कह सकते हैं कि आजकल के नौजवानों को एनिमे का पता ही नहीं है। अब बचपन से ही छोटा भीम देखेंगे तो उन्हें एनिमे के बारे में पता कैसे चलेगा। और एनिमे पहले जैसा एयर नहीं होता इंडिया के अंदर। इंडिया में एनिमे ना आने का एक और बड़ा रीजन है, जो कि है सेंसरशिप, जिसको हम कैंसरशिप भी कह सकते हैं। अब टोक्यो गुल जैसा एनिमे जिसमें इतना ब्लड दिखाया गया है कि वो इंडियन टीवी चैनल्स पर कभी नहीं आएगा। आप में से कितने लोग शिनचैन देखते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम एपिसोड्स में बहुत सारे कट्स देखने को मिलते हैं। और तो और यार, मैंने ये भी सुना है इंडिया के जो कार्टून चैनल्स हैं उनमें कुत्ते जैसे वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, ब्लड नहीं दिखा सकते, और साथ ही साथ किसी भी कैरेक्टर की डेथ नहीं दिखा सकते। हाँ, पहले दिखाते थे लेकिन अब ये सब शायद बंद कर दिया है। और वैसे भी यार टीवी अब देखता ही कौन है। सीक्रेट गेम्स और गोल के बारे में आप सबने सुना ही होगा। ये दोनों ही इंडियन सीरीज हैं, पर फिर भी इनमें खून खराबा और अडल्ट कंटेंट भरा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों वेब सीरीज हैं जो नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन में बनी है। इंडियन सेंसर बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये टीवी पर टेलीकास्ट ना होकर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होती है, इसलिए वो लोग नेटफ्लिक्स को बैन नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था हमें भी नेटफ्लिक्स जैसा कुछ खोल लेना चाहिए जिसमें हम अपने डब लाएंगे। हाँ, शायद फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। कुछ कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जिन्हें एनिमे से दिक्कत होती है, मतलब उन्हें सास बहू की लड़ाई देखनी है, कौन किसका घर उजाड़ रहा है वो सही लगता है। 10 साल का लड़का 27 साल की लड़की से शादी करे, इन्हें वो सब अपने बच्चों के साथ देखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे एनिमे से दिक्कत है। एनिमे से हमें फ्रेंडशिप, नेवर गिव अप और ऐसे कई अच्छे अच्छे मॉरल सीखने को मिलते हैं। अब अगर आपको हिंदी डब देखना है तो एनिमेटीएम डबर्स के डब को देख सकते हो। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है यार, डिजिमोन एक दिन के अंदर सारी ब्लॉग साइट्स के अंदर आने की वजह से बंद हो गया। किसी ने भी उसको टीवी पे देखना जरूरी नहीं समझा, सबने ऑनलाइन ही देखना उसको बेहतर समझा। और यार ऐसा एनिमे टीम डबर्स के साथ मत होने देना,
अब ऐसे यार बहुत से लोग हैं जिन्होंने योर नेम और गार्डन ऑफ द वर्ड्स मूवीज तो देखी है पर उनको यार यही नहीं पता कि ये मूवी एनिमेटीएम डबल से डब की है। अब मुझे फेसबुक पे ऐसी बहुत सारी पोस्ट दिखती है यार जहाँ पे योर नेम हिंदी डब की बात होती है या कोई उस मूवी का लिंक शेयर करता है तो वो लिंक एनिमेटीएम डबल्स के ऑफिशियल ब्लॉग का नहीं होता है, वो किसी और ही ब्लॉग का होता है। अब इसी वजह से दूसरे लोगों को पता नहीं चलता है कि इस मूवी को किसने डब किया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी एनिमेटीएम डबल्स की किसी भी डब करी हुई मूवी का लिंक शेयर करो तो इनकी ऑफिशियल ब्लॉग साइट का ही लिंक शेयर करना, इससे एनिमेटीएम को बहुत सा सपोर्ट मिलेगा आपका। सो गाइस प्लीज सपोर्ट देम। थैंक यू मनीष, कोई तो है जो हमें समझता है। खैर हम अपना काम करेंगे चाहे कुछ भी हो, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे तो उन सबको इवेंचुअली पता चल ही जाएगा कि ये डब्स कौन कर रहा है। खैर मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हमने मतलब एनिमेटीएम डबल्स ने खुद का कम्युनिटी ग्रुप बनाया है फेसबुक पर एनिमे डिस्कशंस वगैरह के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे तुरंत ज्वाइन कीजिए। तो गाइज अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने भी केरल फ्लड में डोनेट किया है उन सबका दिल से धन्यवाद। और जो लोग डोनेट नहीं कर पाए उन सबसे कहना चाहूंगा कि आप सबकी केरला के लिए प्रेयर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हालत वहां पर पहले से बेहतर है, दुआ करते हैं वहां पर सब जल्द से जल्द पहले जैसा हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना मत जाना यार, और एनिमेटीएम टॉक्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलना मत यार, और सैयन लौंडे को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।